जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम उजास एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। उजास एनर्जी लिमिटेड का नाम शायद आप लोग में से बहुत लोगों ने पहले सुना भी होगा, कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। मैंने अभी पहली बार इस कंपनी के बारे में अध्ययन किया है और पहली बार ही वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल हुआ क्या है कि यहाँ पे इसका प्राइस 494 रुपये यानी तकरीबन 500 रुपये के आसपास पहुंच गया है। 7 रुपये से चलना शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, महज 7 रुपये से इस कंपनी का प्राइस चलना शुरुआत और पहुंच गया है 500 रुपये के करीब। तो मैंने जब इस कंपनी का एनालिसिस किया, इसका चार्ट देखा, तो मुझे लगा कि ये जानकारी आप सबको शेयर करना चाहिए। तो सिर्फ जानकारी शेयर करने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी भी प्रकार के रिकमेंडेशन है इसमें बाई एंड सेल करने का? देखिए, हालांकि सेल करने का तो सही मौका है, मैं तो कहूंगा अगर ये सेल आपके पास शेयर है तो सेल कर दीजिए। दरअसल पहले पेनी स्टॉक था, पेनी स्टॉक से ये क्या हुआ कि एक मल्टी बैगर स्टॉक बन गया बहुत ही कम समय में। तो ऐसा किस वजह से हुआ और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आया है इस स्टॉक के बारे में, चलिए उसको समझते हैं। उजास एनर्जी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कंपनी सोलर एनर्जी के सेक्टर में कामकाज करती है, सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक बार कंपनी का जब आप मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप तकरीबन 5000 करोड़ का होगा, यानी कि एक कंपनी मिड कैप श्रेणी में ये कंपनी कदम रख रही है। स्टॉक का पी रेशियो बढ़ के हो गया 108, जो कि काफी हाई वैल्यूएशन है। देखिए, पी क्या होता है कि जब किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा होता है, डिमांड बढ़ रही होती है, तो पी महंगा हो ही जाता है। तो रिटर्न देखिए, 55% का रिटर्न दिया है बहुत ही कम समय में। ये मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर रहा हूँ, रिटर्न तो बहुत ज्यादा है, आगे भी मैं रिटर्न दिखाऊंगा। अब नीचे आएंगे, सबसे पहले चार्ट पे आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, 1 साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, प्राइस यहाँ से चलना, पहले यहाँ तक तो प्राइस एकदम कह सकते हैं कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, एकदम धीरे धीरे स्लोली गति से प्राइस बढ़ रहा था, और उसके बाद यहाँ से इसमें एक जंप आना शुरू हुआ, जंप आया, और जंप के बाद जो प्राइस ने अब जाके जो तेजी दिखाई, तेजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पे जब आप देखेंगे, 1 नवंबर 2023 को कंपनी का प्राइस है 7.5 रुपए के करीब, ये 1 नवंबर 2023 की बात कर रहे हैं इस लेवल पे। और यहाँ से जो प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, तो पहले 7 रुपए से बढ़कर प्राइस आ गया इस लेवल पे, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 95 रुपए आ गया, यानी कि नवंबर से अप्रैल आते थे प्राइस आ गया 95 रुपए, इतना इस लेवल तक समझिए। ये था 7 रुपए यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस आ गया 95 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए, इस लेवल पे 100 रुपए, और 100 रुपए से जो प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, बिना रुके प्राइस बढ़ते गया, 500 रुपए तक पहुंच गया इस कंपनी का शेयर प्राइस। आखिर लोग इस कंपनी के इतने दीवाने क्यों हैं? क्योंकि एक तो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, सबको पता है कि ये सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस पेनी स्टॉक था, पेनी स्टॉक जब चलते हैं तो ऐसे ही रॉकेट की रफ्तार से चलते हैं, तो इस वजह से लोगों का इस पर ध्यान गया, लोगों ने इसमें जमकर पैसा लगाया, खूब पैसा लगाया। पैसा लगाने से क्या हुआ कि प्राइस खूब बढ़ा, प्राइस बढ़ते ही गया, और अभी कितना आगे जाएगा ये क्यों नहीं जानता। हालांकि प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया है, जी 500 रुपये करीब चला गया, तो जो आम निवेशक इसमें पैसा नहीं लगा सकते, तो अब कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको मतलब बोनस देने का, इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया है। बोनस देने से क्या होगा कि प्राइस का एडजस्टमेंट हो जाएगा, प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। 1:4 के रेशियो में बोनस देने की बात कही जा रही है, यानी कि जिसके पास 4 शेयर है उसे 1 एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा, तकरीबन 5 शेयर्स हो जाएंगे यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से 4 शेयर है। तो इससे क्या होगा, प्राइस भी 1:4 के रेशियो में कम हो जाएगा, तो इजीली लोग इसको बाई कर पाएंगे। हालांकि बीएस इंडिया वेबसाइट पर आप देखेंगे इस स्टॉक को, तो जब आप बीएस इंडिया के वेबसाइट पर इस स्टॉक को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा फिलहाल इसमें ट्रेडिंग जो है रिस्ट्रिक्टेड है ऑन अकाउंट ऑफ आईपीसी, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी कोड कहते हैं इसको। दरअसल ये आईआरपी का ही एक स्टेज होता है, आईआरपी यानी कि इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस। काफी दिनों से ये जो कंपनी है एनसीएलटी में इसका विवाद चल रहा है, नीलामी की प्रक्रिया के तहत ये स्टॉक को गुजरना होगा, तो ये भी विवाद चल रहा है एनसीएलटी में, इसलिए फिलहाल इसमें ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है। तो फिलहाल नया शेयर तो आप इसमें बाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसके पास पहले से शेयर से उसकी काफी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो ये स्टॉक मेरे नजर में आया, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के इसके बारे में आपको अपडेट मैं दे दूँ। यहाँ पे आप न्यूज पे भी देख सकते हैं कि ये स्टॉक कितने चर्चा में रहा पिछले कुछ दिनों से, यदि मैं आपको दिखाऊं तो आप देखने को मिलेगा आपको कि सोलर एनर्जी बनाने वाली ये जो कंपनी है, इसने पिछले कुछ में मल्टीपेगर रिटर्न दिए हैं, 14000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जैसे मैंने बताया कि 7 रुपए से बढ़कर प्राइस 500 रुपए के करीब पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है ये रिटर्न कोई छोटा रिटर्न नहीं है, और सिर्फ संभव हुआ सिर्फ पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। यदि किसी व्यक्ति ने 7 रुपए से लेकर 100 रुपए तक भी पैसा बनाया, 200 तक भी बनाया, सोचिए उसने कितना बड़ा अपना पोर्टफोलियो बना लिया होगा, पैसा बना लिया होगा अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को ऐड करने से। और जैसे मैंने बताया 1:4 का बोनस भी कंपनी इशू करने जा रही है, तो इसका लाभ भी जिसके पास पहले से शेयर है उसको मिलेगा, क्योंकि नया तो भी वो बाय नहीं कर पाएंगे। और यह भी कंपनी ने कहा है कि जैसे यहाँ पे
कंपनी का ये अपडेट आप पढ़ सकते हैं कि सोलर एनर्जी के शेयर्स को खरीदने के लिए टूटे न्यूज से, क्योंकि कंपनी के मालिक ने खरीदे 9 करोड़ शेयर्स। और देखिए ये थोड़ा पहले का अपडेट है जब प्राइस 275 के आसपास चला था, हालांकि अभी प्राइस इसमें बताया बढ़ के 500 रुपए के आसपास हो गया है और ये प्राइस अभी आगे बढ़ते ही जाएगा। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि नया शेयर तो इसमें अभी फिलहाल कोई व्यक्ति बाय नहीं कर सकता, जबकि कंपनी का विवाद एनसीएलटी में चल रहा है उससे बाहर ना जाए। तो उजास एनर्जी लिमिटेड के बारे में ये जो छोटा सा अपडेट मैंने दिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका शुक्रिया।